आपका मेरे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम कैसे लिनक्स को अनेबल करेंगे विंडोज 10 में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपर मोड, डेवलपर यहाँ पे आगे यूज डेवलपर फीचर इसी को ले लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए डेवलपर मोड को यहाँ पे हम ओके करेंगे। यहाँ पे अगर आपको पीला साइन लिख कुछ आता है, कुछ भी यहाँ पे लिख के आता है, तो उसके बाद आप रिस्टार्ट कर लीजिएगा पीसी। रिस्टार्ट करने के बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ, लिखेंगे टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ, हमें ये चाहिए होगा फ्रेंड। तो यहाँ नीचे आएंगे, इसको अनेबल करना पड़ेगा। तो जब से ये विंडोज 10 एनिवर्सरी आया फ्रेंड्स, तो उसके बाद से इसमें काफ़ी हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखे, लिनक्स की परमिशन तो दे दी लेकिन उसे अनेबल करके नहीं दिया। तो यहाँ पे आप देखें विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको हमें अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल यहाँ हम कर देंगे और ये सर्चिंग फॉर रिक्वायर्ड फाइल्स, हो सकता है ये रिस्टार्ट भी मांगे। अगर रिस्टार्ट मांगते तो आप इसको रिस्टार्ट कर दीजिए फिर करिए। तो यहाँ देखिए अप्लाइंग चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कह रहा रिस्टार्ट, हम रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं अभी इसे रिस्टार्ट करके फिर आपको रिकॉर्डिंग आगे करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने अपना पीसी रिस्टार्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे बैश। देखिए बैश इस बार हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमने बैश यहाँ पे लिखा, तो हम देख रहे कि हमारा जो बैश है वो क्रैश हो रहा है, यानी कि वो अभी भी ठीक से काम कर नहीं रहा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सर्च पे काली लिनक्स, ठीक है, काली लिनक्स। तो काली लिनक्स हमने ये लिखा। अब बेसिकली मैं काली लिनक्स की यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे अबंटू भी लिख सकते थे, तो अबंटू का आपको टर्मिनल मिल जाता मुझे, लेकिन काली लिनक्स का टर्मिनल चाहिए। दोनों में फ्रेंड्स कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो काली के वो हैं कमांड वो आपको अबंटू में नहीं चला सकते, जबकि अबंटू के जो खुद के जो कमांड है वो काली में आपको चला सकते। इवन बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जो सिर्फ काली लिनक्स पे ही वर्क करते हैं, जैसे कि वाईफाई से रिलेटेड सबसे ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे इसीलिए काली लिनक्स ले रहा हूँ। तो अगर आप आईटी सेक्टर के हैं और आप ये सोच मेरा काली लिनक्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप अबंटू की तब भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रैकिंग हैकिंग पर्पस से थोड़ा ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसको लिनक्स में इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख रहे हो रहा है, और थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख रहे हैं मेरा काली लिनक्स पूरी तरह से इंस्टॉल्ड हो गया है, लेकिन अभी भी हमें इसमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो क्रैकिंग के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो देखने कैसे होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लॉन्च पे जाइए और देखिए काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लॉन्च में आए, तो ये इंस्टॉलिंग थोड़ा लेगा, थोड़ा सा ये टाइम और लेगा, और इसके फिर आगे बाद हम बात करते हैं कि इसमें करना क्या होगा। तो बेसिकली ये जो मैं मेथड आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको कोई अलग से एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें वर्चुअल बॉक्स डालना पड़ता था, तो काफ़ी एक स्पेस ले लेता था, वो तो वर्चुअल बॉक्स की स्पेस लेता ही था, जिसके और जो आप अलग से ओएस इंस्टॉल करते थे उस डायरेक्ट्री के अंदर, तो सी की भी कुछ स्पेस चली जाती थी, फिर अलग से एक रैम वैम भी शेयर होती थी, अलग से फिर ड्राइवर आप डालते थे। तो एक तरह से देखा जाए कि एक ही विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 10 अपने आप में एक ओएस तो था, उसके अंदर एक और आपने ओएस डाल दी, जिसके वजह से काफ़ी एक बर्डन वाली चीज़ हो गई, जिसके वजह से स्पेस बहुत ज़्यादा आपका ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि विंडोज 10 ने कम से कम एक
इस चीज की परमिशन ले ली कि हाँ लाइनक्स लोग अब चला सकते मेरे में। तो जब से विंडोज 10 एनिवर्सरी है काफी कुछ हमें अपडेट देखने को मिला विंडोज 10 में। एक लाइट होने के साथ स्पीड अप भी बहुत ज्यादा हुई है ये विंडो। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग विंडोज 7, 8, 8.1 जितने भी विंडोज को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे एक विंडोज 10 के अंदर आइए आप, क्योंकि विंडोज 10 में आपको बहुत से ऐसे फीचर मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते कि विंडोज 7 में होंगे या 8.1 में होंगे एंड समथिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो लाइनक्स है शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप कह रहा कि अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालिए, तो यूज़र नेम जो अगर आप जो लॉगिन करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, वरना कोई दूसरा भी डाल सकते हैं, तो लेकिन उसी नाम से रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये दोस्त का है तो मैं इसमें उसी का नाम डालता हूँ। और फिर कह रहा आप अपना इसमें पासवर्ड डालिए, तो पासवर्ड जो आपका मन करे वो डालिए, लेकिन भूलिएगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, एंटर मारिए। फिर कह रहा उसी को रिटाइप करिए। तो लाइनक्स एक तरह का जीयूआई पूरा सिस्टम तो नहीं है, मतलब आज के उसमें देखा जाए तो जीयूआई है, लेकिन इसमें अभी भी जो काम होते हैं वो सीयूआई के उससे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसमें मुझे कुछ सॉफ्टवेयर भी मैं आपको इंस्टॉल करके बता दूँ कि कैसे इसमें इंस्टॉल करे जाते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक सीयूआई है, तो यहाँ पे हमें जो भी कुछ कमांड देनी होगी वो लिख कर ही देनी होगी। तो यहाँ पे चलिए पहले मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई इसका अपडेट आया तो वो मिल जाएगा वो हमें। तो यहाँ मैं सिंपल एक अपडेट ढूंढ रहा हूँ। तो आप जो भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आप सीधे सीधे लिखें sudo apt-get, उसके बाद अगर अपडेट है तो अपडेट लिखिए, उसके बाद अगर किसी सॉफ्टवेयर का नाम है जैसे कि nero.exe तो पूरा का पूरा आप लिखेंगे nero.exe, तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर गेट की जगह आपको लिखना पड़ेगा sudo apt-install, sudo apt-install और उस सॉफ्टवेयर का नाम पूरा, तब ऐसे इंस्टॉल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपडेट हमने करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे मांग रहा है कि अगर आप ये अपडेट करना चाहते हैं तो उसका पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड आप वही देंगे जो आप पहले दे चुके थे, तो मैंने वो पासवर्ड दे दिया यहाँ पे। और देखिए वर्किंग में, यहाँ पे पैकेजेस हो रहे हैं इसके, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप कुछ एरर यहाँ पे पाएंगे, तो इसका भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ ये क्यों एरर आ रहा है। और इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पीसी में जाएंगे, अगर आप में विंडोज 7 है तो आप माई पीसी में जाएंगे और यहाँ पे सी में आप जाएंगे, सी में आप देखेंगे यूजर नेम, तो यूजर नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूजर ये। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर नेम होगा वो, यहाँ पे मैंने अंकित नाम डाला था तो अंकित के नाम पे जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐप डेटा, ये देखिए ये ऐप डेटा है। यहाँ पे फिर आप देखेंगे लोकल, तो लोकल में जाएंगे, यहाँ पे फिर आपको एक प्रोग्राम्स के नीचे कोई दिखा होगा पैकेजेस, ये देखिए पैकेजेस। और यहाँ पे हम क्योंकि काम कर रहे हैं काली लाइनेक्स में हमें एरर मिल रहा है तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कंट्रोल सी दबा लीजिए सीधे सीधे। और इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे विंडोज डिफेंडर में। ठीक, यहाँ पे विंडोज डिफेंडर आ गया आपके पास, इसकी सेटिंग्स खोलेंगे। और यहाँ पे ताकि हम चाह रहे कि इस फोल्डर को स्कैन ना करे, क्योंकि लाइनक्स के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो बताता है वल्नरेबिलिटी शो करता है, तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, हम इसमें जाएंगे, मैंने सेटिंग्स, ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन के नीचे हम आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक्सक्लूजन एड और रिमूव करेंगे। ठीक फ्रेंड, और यहाँ पे आप कह रहे हैं आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं फोल्डर पूरा एक कर रहा हूँ,
फोल्डर का जहाँ पे नाम लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक फ्रेंड, सेलेक्ट फोल्डर यहाँ पे करा और यहाँ पे देखिए हमने इसको डाल दिया है एक्सक्लूजन में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो ये एरर आया इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इतना कोई बहुत खास फर्क नहीं है इस एरर का। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हम करेंगे यहाँ पे वो करेंगे इसको अपग्रेड करके देखेंगे कि कोई अगर कमांड वमांड इसमें गायब है तो वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं sudo। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कमांड है किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने का, sudo apt और यहाँ पे हम देखेंगे get और upgrade। तो अगर कोई भी कमांड मिस हो गई होगी इंस्टॉल करने में तो ये वापस ले आएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर हमें इंस्टॉल करना था तो हम यहाँ पे इंस्टॉल लिख देते अपग्रेड की जगह। तो यहाँ पे लेकिन अपग्रेड हम करेंगे, यहाँ देखिए मांग रहा पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको देना पड़ेगा जो आपने एट द टाइम ऑफ मेकिंग बनाया था, तो यहाँ पे मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए डन हो गया, यानी कि इतनी कमांड हमारी गैप थी। ठीक है फ्रेंड, बिल्डिंग डिपेंडेंसी समथिंग समथिंग, इतनी कमांड हमारी गैप थी तो वो वापस आ गई हमारे। आज आपने देखा कि बिना कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करी हमने कैसे लिनक्स ओएस को पूरी तरह से अपने विंडोज 10 में इंस्टॉल कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ हम लोग को, इससे कई फायदे हुए। एक तो हमें एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ा, हमारी डायरेक्टरी ने ज़्यादा स्पेस नहीं ली और बहुत कुछ इसमें हमारी मेमोरी की भी बचत हुई। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स कोई भी लिनक्स ये टर्मिनल अपने में ऐसे इंस्टॉल आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी बजाना ना भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।